त्रिशा नहीं है अंकल के पास, गुस्सा नहीं होते, गुस्सा नहीं होते अंकल के पास, आइसक्रीम नहीं है, पूछो आइसक्रीम नहीं अंकल के पास। नहीं आओगे तो यही रहोगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 30 दिसंबर और हम लोग मनाली से आज निकल रहे हैं। तो 3 दिन थे, हमने बहुत इंजॉयमेंट किया मनाली में। तो हम निकले, हमारा होटल ये था, विशा दिख रहा था होटल के अंदर, विशा अभी सो रही है। मेरा बैग हमारा पैक हो गया है, विशा आप हीटर के आप नहीं रह सकते रूम में, तो बहुत कोल्ड है मनाली, माइनस में चला जाता है, बहुत ठंड जगह सकती है। पर हम लोग का बैग पैक हो गया, निकलने वाले हैं इसी के नीचे, चेकआउट का बिल बनाने के लिए है। तो बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको, एक नंबर व्यू है। बाहर हम आ गए, देखिए मॉर्निंग हो रही है, सनसेट हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर लाइट ज़्यादा ब्राइटनिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे सनसेट यहाँ से निकले धीरे धीरे। और यहाँ देखिए बड़ा माउंटेन है यहाँ पे, इस साइड वाला एरिया में थोड़ा लेट होगा। और आपको ये यहाँ देखिए, और लास्ट कॉर्नर में दिखाते हैं सुबह जाते जाते, एक हम आपको व्यू दिखाते हैं। मैं होटल के पास में था जो है, कल जो हम फ्रंट साइड में दिखाए थे व्यू था रिवर का, तो आज दिखाते हैं एक बैक साइड का। जो होटल वाले जो हमारे मालिक, तो उन्होंने दिखाया था, चलिए सर आपको वहाँ पे बैक साइड दिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो उन्होंने दिखाया, भाई दूर से ही आवाज़ आ रही है ना देखिए, तो भाई सुन के मज़ा आ रहा है। सो आपको व्यू दिखाते हैं सामने का, देखिए सामने होटल है, माउंटेन चारों तरफ, आपको जहाँ दूर दूर से जाए पहाड़ी पहाड़ है, ये देख सकते हैं इधर भी होटल है। इसके अंदर इन्होंने टेंट भी बना के रखा है, अगर किसी को घूमना है तो रहना है, रह सकता है नदी के पास से भाई, तो मज़ा ही कुछ। नदी का जो वेव का जो व्यू आती है, देख के मन खुश हो जाता है। ये आपको दिखाते हैं हम नदी का दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से ही देखिए, हम थोड़ा पास जाते हैं, पास जाके देखते हैं, पास से और ही ज़बरदस्त दिखेगा व्यू वहाँ से। तो हम नदी के पास आ चुके हैं, देखो ये गेट है, यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं डाउन साइड। और भाई आपके व्यू आपको स्टार्ट होने वाला है, इस नदी में इतने बड़े बड़े पत्थर है, हालत खराब हो जाएगी, आदमी से हिल भी नहीं सकता भाई, इतनी बड़ी बड़ी पत्थर है कि नदी बहा के लेके आती है बारिश के दिनों में। सो आप व्यू दिखाते हैं, आप देखिए एक कमाल की व्यू है, आप देख सकते हो उधर से जो माउंटेन साइड से आ रही है ऊपर साइड से, और ये धीरे धीरे ब्यास रिवर है, और यहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पानी का फोर्स ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, सो दिख भी रहा। और आगे देखिए वो बड़ा एक बड़ा सा माउंटेन चट्टान दिख रहा होगा वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव है, लेकिन वहाँ पे आपको पत्थर भी बहुत ज़्यादा है, उस साइड बड़े बड़े स्टोन है, इस साइड थोड़ा स्टोन नहीं है, तो इससे नॉर्मल है थोड़ा सा, लेकिन आगे जाके जब पहाड़ों से टकराती है पत्थरों से तो और ज़्यादा वेव बन जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी देखिए इस वाले पार्ट में अभी सनसेट जो है धीरे धीरे ऊपर से भी आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे आने में। सो देखिए दिख रहा है सनसेट का आपको, जो पूरा है अभी धीरे धीरे ऑरेंज टाइप का चेंज हो रहा है आपका स्काई। सो अभी व्यू देख लिया कितना मस्त है यहाँ से, इन्होंने जब जाली वाली डाल के रखा हुआ है, यहाँ के लोकल होटल वाले करके रखे हैं, यहाँ पे जाली डाल के रखे हैं पत्थर जो है, जब बारिश के मौसम में जब ऊपर से आती है या पानी बहुत ज़्यादा जब बर्फ पिघलती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो बड़े बड़ा चट्टान वट्टान जो है अपने साथ बहा के लेके आती है। सो देख भी सकते कितने बड़े बड़े भाई चट्टान है, इसके अंदर कितनी गाड़ियाँ बह गई, अगर एक अगर इंसान से अगर लग जाए ये पत्थर तो पूछो मत, खत्म ही हो जाएगा, ना उससे हिलेगा ना डुलेगा, तो गाड़ी की लगती हुई तो क्या हालत होगी, गाड़ी की तो ऑन द स्पॉट खत्म, क्योंकि इतने बड़े बड़े चट्टान है भाई। इसके गाड़ियाँ मतलब जुलाई के टाइम इतनी गाड़ी बह थी, लेकिन एक भी आपको नहीं मिलेगा, पार्ट पर सब खत्म हो गए होंगे, इतनी बड़ी बड़ी पत्थर है कि टकराने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। सो अब यहाँ से निकलते हैं, व्यू का नज़ारा देख लिया, और हमारा जो होटल था थोड़ा दूरी पे ही है, ज़्यादा पास 200 मीटर की दूरी पे ही था। सो यहाँ पे नाइट में उन्होंने दिखाया था कि यहाँ पे चलिए अच्छा व्यू है, तो हम लोग आए थे नाइट में, लेकिन नाइट में अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सो मैंने सोचा कि चलो निकलते निकलते एक बार जाके आ जाते हैं। सो ये आपको दिखा दिया मैंने, और सामने वाला जो है टेंट लगाते हैं कैंपस टाइप का, बाइक ऊपर भी है, बाइक के लिए अच्छा है, फैमिली ग्रुप भी आता है उसके लिए अच्छा है, अगर टेंट में रहना चाहता है उसके लिए भी अच्छा है, अगर फैमिली होटल में रहना है और रूम में रहना है वो भी अच्छा है, दोनों आपको मज़ा मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंट मज़ा है। सो सामने वाला व्यू देखिए, सामने कमाल की व्यू है, सामने जो कोने पर आपको माउंटेन दिख रहा है वाइट वाला, वो आपको सो स्नो गिरा था उस पर 5-6 दिन पहले, लेकिन 1-2 दिन बाद जो है इधर भी स्नो आ जाएगा, तो ये
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भी रोड बता रहे थे भाई कि ये भी जो रोड है सारा स्नो से भर जाता है आपको, पूरा जो स्नो से आपको डूब जाएगा, तो ये लोग खुद ही हटाते, क्लियर करवाते गाड़ी से, क्योंकि जाहिर सी बात है भर जाएगा तो गाड़ी उन्हें आ नहीं सकती, तकलीफ हो सकती है अंदर, जाहिर सी बात है, तो खुद ही ये लोग क्लियर करवाते हैं अंदर साइड वाला, बाकी रोड साइड वाला गवर्नमेंट कर देती है। और हमारा जो होटल था आ गया सामने साइड से, सो अभी दिन में दिखाते हैं हमारा होटल कैसे दिखता है। ये जो आपको दिख रहा है येलो वाला, सो हमारा होटल था, और सामने जो है नदी का आवाज आ रही है, नदी की आवाज आ रही है, तो नदी के पास में ही था, और ये सामने वाला व्यू देखिए मस्त है। तो हमारा जो रूम था फर्स्ट फ्लोर पे ही था, तो ये हमारा जो है होटल था जिसमें हम रुके थे। तो भैया सर्विस बहुत जबरदस्त थी, सर्विस बहुत अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। तो अब हम यहाँ से अब निकलेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि 12 घंटा की जर्नी हो जाती है, तो बहुत लंबा है। तो फाइनली हम अपने होटल से निकल गए, अब हम लोग मनाली से निकल के दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी अगले नेक्स्ट डे। तो मनाली से मैं पहुंचते पर दिल्ली कम से कम 12-13 घंटा लग जाता है, क्योंकि रोड जो है काफ़ी कर्व है और आगे ट्रैफिक भी मिल सकता है, इसलिए मैं जल्दी निकल गए। और आपको लेफ्ट साइड में नदी जो दिख रहा है वो ब्यास रिवर है जो बह रही है, तो आखिरी बार इनसे दर्शन हो रही है। अब ना जाने फिर कब मिलेंगे, लेकिन नसीब में चांस हुआ तो फिर से एक बार जरूर ट्राई करेंगे मनाली आने के लिए। शिमला नहीं जाएंगे लेकिन मनाली जरूर आएंगे, कि बहुत ही ब्यूटीफुल आपको नेचर मिल जाता है, आपको जहाँ जहाँ आपको रोहतांग पास मिल जाता है वहाँ पर सिसु मिल जाता है, तो घूमने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये प्लेस जो है आपका हिमाचल का बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटीफुल है आपको, तो आपको मन खुश हो जाएगा आपको यहाँ पे आके। तो अगर कोई आना चाहता है तो जरूर आइए यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है नेचर की बात ही कुछ और होती है। आप कहीं भी चले जाइए, कितनी भाग दौड़ के शहरों में, लेकिन नेचर से जो प्यार है जिसको प्यार है जरूर आएगा, क्योंकि पता है कि बात ही कुछ और होती है। दूर दूर जहाँ जहाँ नजर जाएगी तो पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे आपको। क्रॉस करें उसके आगे ही हमारा छोटा सा एक पुल पड़ता है जो नदी क्रॉस कराता है, पुल से ऊपर जो आपको नदी का व्यू है कमाल का व्यू मिल जाएगा। आपको देख सकते हैं कि नदी में कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये जो वेब से बह के आए थे, और इतने बड़े बड़े पत्थर है कि जैसे इंसान भी नहीं हिला पाएंगे, इतने वजन है इसके अंदर, इतने बड़े बड़े पत्थर है। लेकिन नदी का वेव देखिए, नेचर की बात ही कुछ और होती है। नेचर जब अपने रूप में आती है तो किसी की नहीं होती है, तो आप देख सकते कितनी प्यारी व्यू दिख रही है, वही रूप बदल। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो फाइनली अभी पंजाब पहुंचे हैं, पंजाब से तो एंट्री मार दी है, 100-150 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी बज रहा है 5:30, सब रुके हम लोग चाय पीने के लिए ढाबे पे, सो ठंडी है जो धक्का मार रही। नहीं नहीं बहुत ज्यादा धक्का मार रही। ओए 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 उस ओ क्या हो गया, क्यों रो रहे टाइगर? बहुत गुस्सा हो तुम, बहुत गुस्सा हो। ओहो ठंडी ठंडी लग रही है, गोदिया जा। अरे बाप टाइगर को ठंडी लग रही है, अरे गोदिया गई है। ना ना नहीं रोते, किसी को गुस्सा आ गया है। नहीं रोते। बोलो हेलो हेलो बोलो हेलो हेलो बोलो हेलो बोलो चाय आगे चाय चाय आगे चाय चुपचुपा चाय चाय चलो जो आगे चाय पीते ओके चलो। तो फाइनली हमने गाइस ढाबा पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बहुत ठंड है, हमने चाय का ऑर्डर किया, हमने चाय बना के दिया ढाबा पे, पंजाब के ढाबा पे। तो चाय बहुत मस्त आ गई, चाय पी रहे इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे अंग लगाया है, बुझ गया है लगभग थोड़ा सा है, अब डाउन साइड बैठोगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, क्योंकि इधर जो मुझसे समझा वास्ता भाष यार है मुझसे, आप देख रहे हो कि अभी जो है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, धीरे बढ़ती जा रही है इधर पंजाब साइड भी, और दिल्ली पहुँचते तो रात के 9:30-11 बजे है, फिलहाल फिर लेट अभी भी करीब 300 के आसपास किलोमीटर दूर है, तो 11 बज ही जाएगा यहाँ पे। सो अभी हम यहाँ से चाय पी के यहाँ से निकलेंगे, ढाबा है और छोटा सा ढाबा है यहाँ पर। सो ड्राइवर बोले भाई हम चाय पीना है, तो बोले चलो चाय पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़े टाइम में। त्रिशा जी रो रही थी क्योंकि मैंने गेट में अंदर से बंद कर दिया, तो उसके लिए पापा अंदर से बंद कर दिया, बहुत जोर से चिल्ला के रही थी, अभी मानी है। सो अभी देखिए अभी खेल रही मस्त अंदर यहाँ पे। सो अभी उसका दूध रेडी हो गया, बॉटल में फिल कर रहा हूँ, और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सो अंकल दूध लेके आ गए हैं, अंकल इसमें डाल दीजिए आप। सो अंकल दूध लेके आए हैं,
जिससे अगर दूध खत्म हुआ था फाइनली ढाबे वाले दिया, बहुत प्यारे अंकल थे जो हमें बोले दूध दिया उन्होंने, उसके बाद हम दूध लेकर यहाँ से निकल काम हो जाएगा, नहीं तो बहुत से और टाइम हो जाएगा, 11 बज जाएगा तो हालत खराब कर देगी। अगर रास्ते में उसको भूख लगा कर कुछ नहीं मिला तो मेरी हालत खराब कर देगी हम लोग की। सो अभी उसके लिए इंतजाम कर रहे हम लोग, रख रहे हैं क्योंकि वो उसके लिए रहेगा तो सेफ्टी रहेगा हमारे, हम भी जान बचे रहेंगे ना, तो रो रो के पूरा हाल कर देगी। सो अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये लड़की कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, बाजार पर चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट नहीं मिला अंकल पास है नहीं, अब पीछे पड़ गई है कि चॉकलेट चाहिए चोकोबार चाहिए। अंकल नहीं है बेटा, अंकल के पास नहीं है बेटा, हम लोग जाए, हम लोग जा रहे हैं हम लोग। सो भाई बहुत गुस्सा होकर इसको चॉकलेट आइसक्रीम खाना है। सो अभी आइसक्रीम है नहीं अंकल के पास, सब चोकोबार बोल रहा है इतने ठंड में। सो अभी देखिए यहाँ पे, चलो भाई चलो आपको दिल्ली देते हैं होटल में, चलो होटल में मिलेगा, दिल्ली होटल में चलो। नहीं, अंदा होटल हाँ। तो यहाँ पे तो है ही नहीं अंकल के पास, तो कैसे मिलेगा बताओ अंकल के पास? अंकल हो वहाँ बैठे, अंकल के पास नहीं है, पूछो जाके, पूछो अंकल के पास नहीं है, वहाँ पे अंकल है, पूछो पूछ लो। अरे यार गुस्सा करोगे, अंकल पकड़ के रख देंगे, इसी में बांध देंगे। चलो 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 चलो, देखा ऐसे मंकी पॉप पे हेलो भी होता है, भागो भागो। नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे? आइसक्रीम तो नहीं अंकल के पास, चलो दिल्ली में देंगे ना आपको आइसक्रीम। चलो चलो यार, गुड फ्रेंड ना, नहीं कट्टी नहीं बात करोगे उसे? सुन देखते, बहुत गुस्सा हो गई है, नहीं बात मान रही है, क्या हो गया? चलो चलो निकलना है, निकलना है, चलो चलो निकलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हो गया ना, चलो हम दिल्ली जाके आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, चलो। क्या करना है? मैं बगंदा हूँ, फिर आइसक्रीम मैं नहीं दिलाऊंगा फिर। हाँ चलो मैं दिलाता हूँ फिर, चलो। हाँ चलो दिलाऊंगा, चलो आ जाओ, चलो चलो। हाँ चलो मैं आइसक्रीम दिलाऊंगा, मान गई आइसक्रीम नाम पे, अभी आइसक्रीम चाहिए, अभी आइसक्रीम दिलाओगे तो जा रही है, नहीं तो बहुत गुस्सा होगी। ओके मैं आइसक्रीम दिलाऊंगा, तो आ रही चुपचाप चल रही है, फिर से अंदर कार में चिल्लाएगी कि आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम चाहिए। चलो कार में बैठो पहले, आ जाओ। अरे तो वहाँ पे आइसक्रीम नहीं है ना, चलो मैं आइसक्रीम दुकान पे ले चलता हूँ ना, चलो मैं आइसक्रीम दुकान पे ले चलता हूँ। सामान को रेडी नहीं हो रही, इसका आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए, बहुत जीत पकड़ ली है, चलो चलो चलो। सो फाइनली गए मनाली से, 200 किलोमीटर आगे आ गए हम लोग। सो अभी रुके थे अब लंच करने के लिए, सो हम लोग लंच हो गया है। सो लंच अब जो होटल था यहाँ था, जो आपको दिख रहा है आपको होटल है। सो हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है पार्किंग में, और आपको पीछे का भी दिखाते हैं, बहुत सारे ट्री है, मैंगो का झाड़ है आपको, और माउंटेन साइड दिख रहा होगा बैक साइड, जो आपका माउंटेन एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर माउंटेन नहीं माउंटेन है। सो आपको दिखाता हूँ मैं आपको बैक साइड वाला एरिया आपको। सो अभी भी जो एक नंबर क्लास है यहाँ पे, सो इस साइड का एरिया है, पीछे साइड का होटल का, आई थिंक सो खुद का मालिक का ये एरिया, और जो सामने वाला जो होटल वाला मालिक है उसी का घर है। सो वहाँ से छोटा सा एक रिवर गया है, छोटा सा गया है वहाँ से अंदर से, ब्यास रिवर नहीं बहती, दूसरी नदी बहती, लेकिन इसमें पानी नहीं है, सूखा पड़ा है पूरा, पत्थर ही पत्थर है। तो अभी मीनाक्षी अंदर गए हैं, और तीसरा जो अभी लंच कर रहे हैं। सो लंच पर जाने के बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे, दिल्ली पहुँचते पहुँचते रात का 9-10 बज जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अभी ठंड है यहाँ पे, और यहाँ बहुत कब है, तो गाड़ी जो ड्राइवर जो स्लो स्लो चलाते हैं, क्योंकि 60 की स्पीड चला भी नहीं सकते, और पहाड़ी वाले एरिया में 40-30-40 सीसी की स्पीड से गाड़ी चलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व होता है और बहुत स्लो में बहुत सारी, क्योंकि जो सिंगल रोड है सो दोनों साइड से प्रॉब्लम होता है गाड़ी आने जाने में, क्योंकि बहुत सारी जगह पर रोड आपको पहले तो बह गया था, तो एक ही रोड से मैनेज करना पड़ता है। तो अभी लोग निकल गए हैं आज, जो रास्ते में बहुत सारा गाड़ियाँ जा रही है शिमला साइड में, सो आज के तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा शिमला में। सो 31st जुलाई के लिए बहुत सारी पब्लिक जा रही है। सो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे हाईवे से, देखते हैं कितने बजे दिल्ली पहुँचते हैं, क्योंकि एक दो बार और शायद रुकना पड़े, त्रिशा ने तो उल्टी कर दिया, तबीयत खराब हो गई थी गाड़ी में, उसको फिर दवा दिया, मेडिसिन दिया, सो तो ठीक हुआ, फिर भी बच्चा है ऐसी बात तो कर ही देगा, कभी हम लोग की हालत ख़राब होती है, कभी आदत नहीं, हम लोग कभी आदत नहीं। तो अभी देखिए पीछे का नज़ारा, पीछे का व्यू जो है एक नंबर है आपका। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी ऑटो से रेडी हो रहे हैं सब कुछ। सो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, सामने वाला जो पीछे वाला आपको व्यू दिखाया, आपको सामने वाला दिखाता है जो गाड़ी हमारी खड़ी है। सो हमारी गाड़ी यहाँ पे लगी है, यहाँ से निकलने वाला सामने व्यू देखिए भाई, चारों तरफ इतनी बड़ा माउंटेन है। अभी यहाँ जो है सनसेट हो रहा है, यार टाइम भी नहीं हो रहा है, 2:30 बजने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे जल्दी सनसेट भी हो जाता है, आपको सनराइज भी हो जाता है, बहुत जल्दी होता है यहाँ पे दूसरे स्टेट के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी है,
तो तीन चार चार बजे तक यहाँ पे जब को सनसेट हो जाता है और बहुत बड़े बड़े माउंटेन वहाँ पर दिख भी जाएगा, लेकिन जो लॉकडाउन से एरिया है वहाँ पे दिखता नहीं है क्योंकि सूरज जो है पहाड़ के जो नीचे चली जाती है तो दिखता ही दिखाई देता नहीं है। और जल्दी से आपको सनराइज भी होता है, 5 बजे 6 बजे तक सनराइज हो जाता है जल्दी से यहाँ पे पहाड़ों में। तीसरा का एक्टिंग चल हो गया, तो तीसरा बोलो क्या बोल रहे हो? टूटी फूटी। और टूटी फूटी और तुम जा बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहा सा कहाँ रहे हो? तुम टूटी फूटी के यहाँ पे जा रही हो? ओ ओ वो कहाँ रहती है टूटी फूटी? कहाँ रहती है? अपने घर पे रहती है। जाओ टूटी फूटी, और ट्रेन जा रही है। वाह रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक, देखो रेलगाड़ी जा रहा है छुक छुक छुक। वहाँ पे देखो रेलगाड़ी वहाँ जा रहा है ट्रेन, इधर देखा रेलगाड़ी सामने हो, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक। कहाँ जा रहा है रेल, कहाँ जा रहा है बताओ? हैप्पी अच्छा आपके घर पे जा रहा हैप्पी वो चला गया शायद से गुस्से में चला गया ट्रेन, तुमने बात नहीं जा रहा है। ओ देखो जंगल में वाह दिखा इधर इधर बस इधर टिकट नहीं रहेगा, टिकट ही पकड़ लेगा फिर तो फिर रोगे ना, फिर रोगे ना। तुम कैसे रोते हो बताओ? टीटी पकड़ लेगा तुमको, टीसी ना पकड़ लेगा टीसी आपको, तो क्या करोगे रोगे फिर क्या करोगे? अंकल को फिर टिकट दोगे? आप जाओगे? वेरी गुड। और क्या? अच्छा ये भी अंकल भी आएंगे? अंकल नहीं आएंगे क्यों? अंकल टिकट भैया भी नहीं आएगा? अच्छा फिर अच्छा थैंक यू सो मच, यू आर माय स्वीट हार्ट, थैंक यू। वो ट्रेन तक चला गया, ट्रेन भी चला गया। हाँ वो क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? मैं वो कैंडी नहीं दिलाता, वो कैंडी दिलाता हूँ, झूठ मत बोलो यार। हाँ टाइम तो दिलाता हूँ आपको कैंडी। हाँ ट्रेन कहाँ गया, ट्रेन कहाँ गया? हाँ जी कल छुट्टी, कब परसों छुट्टी? कल नहीं। कहाँ जा रहे हो ट्रेन में? अंकल क्या पूछ रहे हैं? कल तुम्हारा स्कूल की छुट्टी है? स्कूल का छुट्टी है तुम्हारा कल? नहीं है, नहीं है। तुम अटक गए, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, अटक जाओगे नहीं तो छुट लेट की कार में अंकल डांटेंगे। हेलो मंकी, स्टैंड अप मंकी। अब मंकी अब तो मंकी तो ट्री पे रहता है। मंकी तुम पंजाब में क्या कह रहे हो मंकी? अच्छा वो सनसेट हो गया, वो मंकी वो जो मंकी वो सन चला गया, सॉरी उठो उठो सन चला गया, देखो देखो वो देखो सन वहाँ पे है, इस इधर इधर देखो, इधर देखो क्या हो रहा। अच्छा रात हो गई ना? हाँ मंकी रात हो गई। हाँ कहाँ जा रहे हो मंकी बताओ बताओ, कहाँ जा रहे हो? नहीं बात करोगे फिर बैठ गए लेट गए? ओ ओ जाओ मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा, पुलिस आएगा डांटेगा तुमको, पुलिस आएगा बहुत डांटेगा कि मंकी बहुत मस्ती करता है। स्टैंड अप उठ जा उठ जा उठ जा, नहीं बात करोगे? सो हम लोग पंजाब पहुंच गए, चल रहे भाई टीचर का मस्ती चालू है कार में, अभी यहाँ नीचे बैठ गए फ्रंट साइड में, अरे बाय बाय कार। कहाँ पे हो, कहाँ पे हो तुम? कार में हो? हेलो हाय, हाउ आर यू? ये क्या है ये एक्टिंग है? ओ कहाँ से सीखा तुमने एक्टिंग? ओ बता रही है कि एक्टिंग कर रही है, ये कैसे एक्टिंग करते है बताओ तुम? ऐसे एक्टिंग करते हैं? ओ तो एक्टिंग कर रही है, गाड़ी के नीचे बैठ गई है, नीचे सामने सीट वाले की जो सीट है उसके नीचे बैठी है। अरे बाप रे बाप इतनी डेंजर एक्टिंग। ओके बाय बाय मैं जा रहा हूँ, बाय।
आप भी आ रहे हो? हेलो गाइस, त्रिशा केक खा रही है, यम्मी यम्मी है त्रिशा केक। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तुमको? नहीं तुम खाओ, तुम खाओ, मुझे मेरा पेट भर के तुम खाओ, ठीक है? ओके ना? नहीं तुम मुझे, मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा, मैं तुमसे रोऊंगा फिर। थैंक यू। हेलो सर, भाई किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? ट्रक से बात कर रहे हो? ट्रक क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अच्छा पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है बोला। और ट्रक कहाँ जा रहा है? अपने घर जा रहा है? फिर कहाँ जा रहा है? होटल में जा रहा है। होटल में नहीं जा रहा है वो ट्रक वाला, जा रहा है घूमने घूम। वो अंकल अपने काम कर रहे हैं, अंकल अपने काम कर रहे हैं। तुम क्या खा रहे हो? मैं खा रहे हो? यमी यमी है, खा लो फिर, कोई बात नहीं, यमी यमी खा लो। तुम तो गुड गर्ल हो ना, ओके आराम से खाओ, ठीक है? कोई टेंशन नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने।